ग्राम पंचायत प्रधान का पद अपने आप में एक महत्वपूर्ण पद होता है। इसका कारण यह है कि ग्राम पंचायत के विकास की समस्त जिम्मेदारी ग्राम प्रधान के ऊपर होती है। अगर हम ग्राम पंचायत पहले की बात करें तो यहाँ से शिव सिंह को लोगों ने अपना प्रधान निर्वाचित किया है और जब से वो प्रधान बने हैं तब से उन्होंने विकास कार्यों को लेकर के पंचायत के विकास कार्यों को लेकर के उनमें पंख लगाने का कार्य किया है। ये उनकी लोकप्रियता का ही परिणाम है कि वो एक नहीं दो बार नहीं तीसरी बार प्रधान निर्वाचित हुए हैं। ये एक बड़ी लोकप्रियता है। स्थिति ये है कि व्यक्ति एक बार प्रधान बनने के बाद दूसरी बार जीतने के उसके लाले पड़ जाते हैं, लेकिन शिव सिंह की लोकप्रियता इतनी अधिक है कि ग्राम पंचायत के लोगों ने उनको तीसरी बार प्रधान अपना निर्वाचित किया है और वो भी उस पंचायत के प्रधान वो बने हैं तीसरी बार, जो पंचायत लगभग आधा दर्जन गाँवों में फैली हुई है। बड़ी पंचायत होने के बावजूद भी सारी पंचायत के लोगों को संतुष्ट करना अपने आप में एक बड़ी बात है। उनकी एक विशेषता ये है कि जब भी उनके दरवाजे पर कोई गरीब, कोई असहाय या कोई ज़रूरतमंद आता है तो वो उसकी यथासंभव मदद करते हैं, और यही नहीं वो अपने खुद के संसाधनों से उस व्यक्ति की मदद करते हैं। यही कारण है कि दिन पर दिन उनकी लोकप्रियता में इजाफा होता जा रहा है। ग्राम पंचायत एलआई के प्रधान शिव सिंह हमारे साथ हैं। हम उनसे उनके ग्राम पंचायत को लेकर के उनके विकास कार्यों को लेकर के चर्चा करेंगे। प्रधान जी, हेक्स न्यूज़ में आपका स्वागत है। धन्यवाद प्रधान जी। सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आप तीसरी बार पंचायत के प्रधान बने हैं। तीसरी बार जब आप प्रधानी का चुनाव लड़ रहे थे तो उस समय आपके सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या थी? मैंने किया था 95 में। तो 95 में पहली बार जब मैं चुनाव लड़ा था तो पब्लिक ने मेरा व्यवहार देख करके और मेरा कार्यकाल भी देखा, मेरा व्यवहार भी देखा, और मेरी पब्लिक ने मुझे चुना बड़ी शांतिपूर्ण ढंग से। पब्लिक का काम पब्लिक ने किया और मैंने उन गरीब असहायों का, जिनके पास रहने के लिए जगह भी नहीं थी, उनके लिए आवास, इतने आवास बनवाए। मेरे उस वक्त BPL पात्र जो है 71 थे, लगभग मैंने संतुष्ट कर दिए थे जो गरीब पात्र थे, जो आवास विहीन थे, जिनके पास रहने के लिए जगह नहीं थी, उनका मैंने आवास सबका बनवाया। मेरे गांव के अंदर बहुत से लोग क्या करते हैं कि भेदभाव रखते हैं, और मैंने कभी भी ये भेदभाव नहीं रखा किसी के पर कि इसने हमें वोट दिया है कि नहीं दिया है। मेरे लिए पूरा परिवार है और परिवार के रूप में मैंने कार्य किया अपना, और उस ढंग से कार्य किया कि मैंने जो है वो ही गांव, किसी गांव को विकास से इसलिए वंचित नहीं छोड़ा कि जिस गांव का मैंने नाली खरंजा से लेके जिस काम को संतुलित नहीं कराया हो, पानी की समस्या हो, उस वक्त हमारे अंडर में मरम्मत भी नहीं हुआ करती थी हैंडपाइप की, फिर भी हम सांसद जी के पास, मंत्री विधायकों के पास जाते थे, निवेदन करते थे, साहब हमारा फलाना गाँव है, प्यासा पड़ रहा है, आप जो है हमें एक हैंडपाइप दे दीजिए फलानी जगह के लिए, एक हैंडपाइप फलानी जगह दिए, तो उन्होंने दिया हमें, हमारी समस्या को देखते हुए, हमारे ऊपर विश्वास करके, और हमने पब्लिक का सारा सब कुछ विकास कर कराया। तो हम ये मान के चले आपके पास जो चुनौती थी वो सबसे बड़ी चुनौती थी, जो गरीब असहाय जिनके पास अपनी छत नहीं थी उनके लिए आपने संघर्ष किया और उनको मकान मुहैया कराए। अच्छा प्रधान जी, जब आप प्रधान निर्वाचित हो गए उसके बाद आपके विकास कार्यों को लेकर के प्राथमिकता क्या थी? मेरे जो है, जब पहली बार मैं प्रधान बनने के बाद में मेरी पब्लिक ने देखा कि हमारे प्रधान जी बहुत अच्छा कार्य करते चले आ रहे हैं, तो हमें इससे अच्छा प्रधान नहीं चाहिए, तो उन्होंने जो है, फिर भी मैंने इतने ढंग से काम कराया, मतलब पानी की टंकी की व्यवस्था बनाया मैंने, तो पानी की टंकी लगने से कि पूरी ग्राम पंचायत में पानी की समस्या थी, हमारे यहाँ जल स्तर बहुत नीचे जा चुका है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे यहाँ पानी की है, तो उस टंकी से हमारे लोगों को इतना सुविधा हुआ और सब आज उससे खुश हैं। उस समस्याओं को सुना है, उस समस्या का साथ दिया है हमने, उन परेशानियों का साथ दिया है, उन बेचारों का, गरीबों का, असहायों का और किसानों का, जो भी समस्या आई है मैं हर लड़ाई को लड़ता रहा हूँ। उस बार जो है ओलावृष्टि सूखा राहत का मैं प्रधान नहीं था, और मैंने जब इतनी तरह मेहनत किया, दिल तोड़ करके मेहनत किया, पब्लिक हमारी इतना खुश हो गए, किसान लोग इतना खुश हो गए, साहब हमारे देखो पुराने प्रधान तो हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं,
वो हमारे लिए देख कम से कम कराए तो रहे, चाहे मिले चाहे नहीं मिले। अब हम इतना तो देख रहे हैं अपने से कि जहाँ प्रधान जी मेहनत कर रहे हैं सर, तो हमें ऐसे आदमी की जरूरत है। तो मैंने मैंने उनके लिए मेहनत किया, ओलावृष्टि का पैसा दिलवाया, उनको घर घर जाके दिलवाया, सूखा रात का पैसा मैंने घर घर जाके दिलवाया। वर्तमान प्रधान जी हमारे एक तरफ खड़े खड़े देखते रहे, वर्तमान जो हमारे प्रधान जी थे, सच बता रहा हूँ, अब पब्लिक उन्होंने धुधकार के रख दिया। बोले साहब हमारा पुराना बढ़िया है, हमें तो जाइए लाओ। और प्रधान जी तुम चिंता मत करियो, हम तो तुम्हारा नामांकन कराएंगे और तुम्हें जिताएंगे। और मुझे बहुत अच्छे बहुमत से, बहुत अच्छे बहुमत से 366 वोटों से मेरी जीत हुई थी, बहुत अच्छी जीत हुई थी। और पब्लिक बड़ा खुश हुई, इतना खुश हुई जिसका जवाब नहीं है। अच्छा प्रधान जी, हमारे चैनल के माध्यम से अगर अपनी पंचायत को कोई संदेश आप देना चाहते हैं तो आपका स्वागत। संदेश यही है साहब कि हमारा ये आवाज़ है, थोड़ा दूर तक पहुँचाइए हमारे मुख्यमंत्री जी के पास, प्रधानमंत्री जी के पास। इस संदेश हमारा पहुँचना चाहिए कि एक ग्राम पंचायत प्रधान इस तरह की योगदान आपका गवर्नमेंट का कर रहे हैं और उनके आभारी हैं। लेकिन ये एक एक बात तो हम कहेंगे, ये देखिए ऐसा है, ये पद किसी का बाप का नहीं है कि मानदेय सबका चला आ रहा है, लेकिन अभी तक हमारे प्रधानों का मानदेय ना के बराबर है। और प्रधानों के आवागमन इतना रहता है, सब दिन निकलता है तो उससे पहले पब्लिक नहीं आ जाती है। देखिए आएंगे तो उनको तो कुछ सम्मान तो करना ही पड़ेगा, अधिकारियों का आए दिन का दौरा रहता है। अब विभाग तो हमको सारे मार दिए, विभाग तो ऐसा, ये विभाग प्रधान जी आपको देखना है, ये विभाग आपको देखना है, लेकिन पैसा हमारा वही है, 14 वित्त राज वित्त, मतलब वही पैसे से हम चाहे सौर ऊर्जा लगवा दें, नाली खरंजा बनवा दें, RCC करा दें, इंटरलॉकिंग करा दें, हैंडपम्प की मरम्मत करा दें, और जो है रिवोर करा दें, जो भी करा दें, टाइल्स वगैरह लग रही है स्कूलों में, इस समय टाइल्स का फैला दिया हो, मुख्यमंत्री जी ने इतना जोर दिया है कि सारे काम बंद कर दीजिए और स्कूलों को एकदम स्वच्छ साफ कर दीजिए। तो स्कूलों में हर ग्राम पंचायत लगी हुई है बहुत जोर शोर से। ऐसा है कि हमारा 2019 का चुनाव भी आ रहा है, खैर हम पार्टी को छोड़ के जाने वाले तो कहीं है ही नहीं, हम पुराने बहुत कट्टर आदमी हैं BJP के, और अपना होश संभाला है तब से। मैं जो है पार्टी का प्रदेश सचिव भी रहा हूँ अनुसूचित जाति मोर्चा का, और जो है हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी थे उनको हमको आवास भी मिला था लखनऊ में, और हमने फिर हमारे एक एक राजमंत्री भी चुना गया था हमने, मतलब उत्तर प्रदेश का भ्रमण किया, प्रचार किया हमने पूरे उत्तर प्रदेश का। माननीय मुख्यमंत्री उस समय जो है राजनाथ सिंह जी थे, और हर क्षेत्र का, हर विधानसभा का दौरा किया हमने, पूरे उत्तर प्रदेश में दौरा किया और करते चले आ रहे हैं। लेकिन सरकार को कम से कम हमारा ऐसा है, अदर लोग हैं जो दूसरी पार्टी को जॉइन करते थे वो आज ये तो कह रहे हैं कि प्रधान जी आप हमारा इतना करा दीजिए तो हम कम से कम आपके साथ तो खड़े हो जाएंगे, एक हमारी ताकत तो बन जाएगी। कि साहब ऐसा है कि हमारा उस हमारे प्रधान जी इस पार्टी के आदमी थे, और जो है कि वो पार्टी उन्होंने अपने ऊपर तक माननीय प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जी के पास पहुंचाया तो हमारी ये समस्या सुनेगी, तो अब हम ऐसा हम कैसे भूल जाएं। तो शायद हमको कट के नहीं जाएंगे, वो जो हमारे टूटे हुए हैं वो भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे, ये 100% फायदा है हमारा, क्योंकि हम हमारे साथ बैठ रहे हैं उठ रहे हैं। और जब रोज का बैठना उठना होता है तो एक बहुत नज़दीक हो जाता है, एक परिवार हो जाता है, और परिवार के रूप में माना जाता है, परिवार के रूप में जाना जाता है। और वो वायदा कर रहे हैं हमसे, इतना काम अगर हमारी गवर्नमेंट कर देती है तो मैं वायदा करता हूँ कि 2019 हमारा बहुत बड़ा चुनाव हो जाएगा। ये थे ग्राम पंचायत एली के प्रधान शिव सिंह, जिनसे हमने उनके विकास कार्यों को लेकर के एक बड़ी चर्चा की। उन्होंने उनका साफ साफ कहना था कि उन्होंने चुनाव केवल विकास को लेकर के लड़ा था, और विकास को लेकर के वो किसी तरह का कोई समझौता नहीं कर रहे हैं, और जिन जगहों पर विकास की महती ज़रूरत है वहाँ पर विकास पहले किया जा रहा है। हालांकि अभी उनके पास 2.5 साल का समय बाकी है, और सारे गांवों को संतप्त करने का उन्होंने वादा भी किया है। उनका ये भी कहना है कि उनके दरवाजे पर अगर कोई किसी भी प्रकार का कोई ज़रूरतमंद आता है तो उसकी यथासंभव मदद भी करते हैं। वो स्वच्छता, प्रधानमंत्री के स्वच्छता अभियान को लेकर के वो काफ़ी सक्रिय हैं। उन्होंने बताया कि वो अपने खुद के संसाधनों से ग्राम पंचायत के सभी गांवों की साफ सफाई करा रहे हैं। दूसरी बात, शौचालयों का निर्माण भी बहुत तेज गति से हो रहा है, प्रतिदिन 4 से 5 शौचालय बन रहे हैं। तो उनका दावा है कि 1 महीने के बाद पूरा गाँव, पूरी पंचायत उनकी सोच से मुक्त हो जाएगी। इसके बाद उन्होंने बताया कि गरीबों
तमाम गरीबों को उन्होंने आवास दिलवाए, जिनके पास अपनी छत नहीं थी उनको आवास दिलवा करके उन्होंने एक बहुत ही पुण्य का काम किया है, जिसका उन्हें लाभ भी मिल रहा है। उनका ये भी कहना है कि उन्होंने जो प्राइमरी एजुकेशन है उस पर विशेष जोर दिया है। प्राइमरी एजुकेशन जितने विद्यालय हैं उन सब में टाइल्स, शौचालय आदि की और पानी की आदि की समस्त व्यवस्थाएं उन्होंने की हैं। पानी को लेकर के उन्होंने बताया कि उनकी पंचायत में पानी की एक बड़ी समस्या थी, लेकिन पानी की समस्या उनने प्रधान बनने के बाद लगभग समाप्त कर ली है। तमाम हैंड पंपों को उन्होंने रिबोर कराए हैं और कुछ टंकियों को जो बंद पड़ी थी उन टंकियों को चालू कराया, इसलिए पानी की बहुत बड़ी समस्या उनकी पंचायत में नहीं है। उन्होंने ये भी बताया कि भविष्य में पंचायत को लेकर के वो पूरी तरह से सजग हैं, क्योंकि पंचायत के लोगों ने उन पर तीसरी बार भरोसा किया है और तीसरी बार उनको प्रधान बनाया है, जो अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है कि हर व्यक्ति को ये मौका नहीं मिलता कि वो ग्राम पंचायत का तीन तीन बार प्रधान रहे, वो तीसरी बार प्रधान बने हैं। इसलिए पब्लिक के प्रति उनका बहुत ही अच्छी जवाबदेही है और उनका कहना भी है कि पब्लिक को वो अपने परिवार की तरह से समझते हैं, ना उनके यहाँ कोई जातिवाद है ना कोई धर्मवाद है, वो एक नज़र से सारी पंचायत के लोगों को देखते हैं और उनका काम करते हैं। अगर उनके आधी रात को भी अगर कोई व्यक्ति उनके पास जरूरतमंद आता है, चाहे वो थाने का काम हो, चाहे तहसील का काम हो, चाहे किसी दूसरे का दूसरा काम हो, वो उठ करके उसके साथ जाते हैं और उनका काम कराते हैं। उनका ये भी कहना है कि उनका एक उद्देश्य है, एक उनका संकल्प है कि वो अपनी पंचायत को अपने कार्यकाल में एक आदर्श पंचायत के रूप में देखना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने भविष्य की योजना बना रखी है और उस पर उन्होंने काम भी शुरू कर दिया है। कैमरामैन अनु श्रीवास्तव के साथ राम राव, एक्स न्यूज़, फिरोजाबाद।